हेलो फ्रेंड्स, न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राजवीर सैनी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और ये जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, जो एपिसोड चलने वाला है, एकदम नया टॉपिक है, नई कहानी है, नई शुरुआत है। और नए टॉपिक को नए अंदाज में हम पढ़ेंगे। और जिससे हमने 1857 की जो क्रांति पढ़ी थी, उसका भी हमने जैसे पहले बेसिक समझा था, वैसे ही हम किसान आंदोलन जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से रिलेटेड हम पहले अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि राजस्थान में ऐसी क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। कंप्लीट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन का पहले हम बेसिक समझेंगे कि 1857 के बाद और किसान आंदोलन के मध्य का जो समय था, उस समय के दौरान ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि किसानों ने रियासतों के राजाओं के प्रति आवाजें उठाई। तो समझते हैं, तो अच्छे से देखिए, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कंप्लीट। अब देखिए मित्रों, इसका हम बेसिक समझते हैं। और सबसे पहले जो हम आंदोलन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो हम पहले अच्छे तरीके से इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में समझेंगे, यहाँ की हम बेसिक जानकारी लेंगे और ये समझेंगे कि इसमें ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई। और जो सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ, वो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, तो पहले समझिए अच्छे से। तो देखो मित्रों, हमने कुछ टॉपिक 1857 के समय भी पढ़े थे और उन्हीं टॉपिकों को मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और आपको बेसिक स्थिति बता रहा हूँ किसके बारे में, किसान आंदोलनों के बारे में। तो देखिए, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने देसी रियासतों के अंदर हस्तक्षेप किया। अच्छे से समझना, देसी रियासतों में हस्तक्षेप किया और देसी रियासतों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए देसी रियासतों के राजाओं से इन अंग्रेजों ने संधियां की। क्या की? संधियां की। और ये जो संधियां हुई थी, ये आपकी 1817 से लेकर 1823 के मध्य हुई थी। इस समय के दौरान राजस्थान की जो प्रमुख रियासतें थी और इन प्रमुख रियासतों के जो राजा थे, उन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। और जैसे ही संधियां की, तो हर रियासत के अंदर अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा, यानी राजा के हर निर्णय के अंदर अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे, हर गतिविधियों में अंग्रेजों की सलाह ली जाती थी। तो देखो मित्रों, अच्छे से देखना, अब इन संधियों का मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि इन संधियों के अंदर राजस्थान की जो सबसे पहले जो रियासत थी, वो करौली रियासत थी, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की। और संधि करने वाला जो राजा था, वो हरवक्ष पाल सिंह था। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कई बार तुम्हारे एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि की, तो वो करौली रियासत थी। और करौली रियासत का जो राजा था, वो था हरवक्ष पाल सिंह। और सबसे लास्ट में जो संधि की थी 1823 के अंदर,
सबसे अंतिम में जो संधि की थी वो सिरोही रियासत ने की थी, और सिरोही रियासत के जो राजा थे वो अच्छे से देखना शिव सिंह थे। और इस समय तक लगभग जो रियासतें थी, इस समय के दौरान सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली, और अंग्रेज इन राजाओं के कार्यों में, प्रशासन में, प्लस राजनीतिक जो भी कार्य होते थे, राजनीतिक जो भी निर्णय होते थे, इन निर्णयों के अंदर अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा। किनका हस्तक्षेप होने लगा? अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, ये हस्तक्षेप करते गए, और हस्तक्षेप के तहत देखो अब जिन्होंने संधियां की थी, इन संधियों के तहत खूब सारी रियासतों के अंदर और उनकी रक्षा के लिए अंग्रेजों ने वहां पर अपने सैनिकों को भी बिठाया। काफी सारी राजस्थान में ऐसी रियासतें थी जहां उन रियासतों के राजाओं को ऐसा लगता था कि हमें पास वाली राजा से खतरा है, कि हम ये डर लग रहा है कि भाई पास वाला राजा हमारे साम्राज्य को हड़प सकता है या वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो ये चीज अंग्रेजों को बताई गई, तब अंग्रेजों ने कहा कि भाई राजा जी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे जो सैनिक है, अंग्रेज सैनिक है, हम एक छावनी की आपके साम्राज्य के अंदर हम सैनिकों को भेज देंगे, पर एक शर्त होगी, इसके लिए तुम्हें हमें वार्षिक वेतन देना पड़ेगा जिससे हम इन सैनिकों का गुजारा कर सके। अब धीरे 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 वो छावनियां स्थापित करते गए रियासतों में, काफी सारी रियासतों में, और जब बाद में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो एक मेवाड़ रियासत आएगी। मेवाड़ रियासत के साथ जब संधि हुई थी तो वहां पर एक सैनिक टुकड़ी तैनात की गई अंग्रेजों की, और कहा जाता है कि इस टुकड़ी के लिए राजा को वार्षिक 9 लाख रुपए कर देना पड़ता था। तो अब देखो जैसे जैसे हस्तक्षेप अंग्रेजों का बढ़ा राजाओं के प्रति, तब राजाओं ने इनको वार्षिक कर देना प्रारंभ कर दिया। किनको? अंग्रेजों को। राजाओं ने अंग्रेजों को वार्षिक कर देना प्रारंभ कर दिया। अच्छे से देखना, अब राजा जो होते थे वो अंग्रेजों को वार्षिक कर देते थे, तो वार्षिक कर अब राजा के पास जो आता था वो कर कहां से आता था? उसके साम्राज्य और साम्राज्य के अंदर जितने उसके ठिकाने थे उन ठिकानों से कर आता था। तो अच्छे से समझना, अब जब राजा पर इन करों का भार बढ़ा, अच्छे से देखना, जब इन राजाओं पर करों का भार बढ़ा तो राजा के अधीन यानी राजा के नीचे इनके जो सामंत थे वो कार्य करते थे, और इन सामंतों के अधीन जागीरदारी होती थी, और इनके अधीन काफी गांवों का ऐसे समूह होता था, ठिकाने होते थे, उन ठिकाने से ये सामंत क्या करते थे? किसानों से कर वसूलते थे। ये सामंत किसानों से कर वसूलते थे, सामंत पे करते किसको? राजा को। और राजा क्या करता था? वो अंग्रेजों को भी देता था प्लस अपने कोष में भी जमा करता था। तो अब देखो, पहले जब अंग्रेज नहीं थे तो जितना कितना भी वार्षिक आय होती थी, जो इनकम होती थी, वो सीधा राजा के कोष में जाती थी। पर अब 1818 के बाद संधियां कर ली, और संधियों में ये शर्तें रखी गई कि भाई अंग्रेजों की जो सेनाओं की जो टुकड़ी होगी उसको हम, और प्लस अंग्रेज जो हमारी सहायता करते हैं इसके लिए हम इनको वार्षिक कर देंगे। तो अब कर चुकाया जाने लगा अंग्रेजों को। तो देखो, अब अंग्रेजों के करों का दबाव बढ़ा राजा पर, तो राजा ने दबाव डाला सामंतों पर कर वसूलने के लिए, और इन्हीं सामंतों ने
किसानों से निर्दयतापूर्ण कई प्रकार के करों को वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो देखो, अंतिम रूप से जो कर वसूले जाते थे वो किसानों से वसूले जाते थे। अब इन किसानों से जब अमानवीय इन पर अत्याचार भी किए गए और इन पर खूब सारे कर थोप दिए गए थे, तो ये किसान परेशान हो गए थे और इन किसानों ने फिर इन राजाओं के प्रति आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। और यही इसी कारण मतलब राजस्थान में आंदोलन हुए। कोई भी चीज पढ़ने के पहले हमें उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। हम जैसे कभी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर हमें पहले चेकअप करने के लिए कुछ बेसिक्स जानकारी पूछता है। तुमने सुबह क्या खाया, तुम्हारी तबीयत कितने दिनों से मतलब गड़बड़ है, तुम्हारे क्या मतलब दिक्कतें आ रही है, तो वो पूरी जानकारी हमसे लेता है और उसके बाद वो हमें ट्रीटमेंट लिख कर देता है। तो इन चीज को आप भी अच्छे से ध्यान रखोगे कि कोई भी चीज पढ़ने के पहले उसकी बैक हिस्टोरी हमें पता होनी चाहिए। तो ये चीज आप अच्छे से समझो कि 1818 के बाद राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां की और अंग्रेजों ने संधियां की प्लस अंग्रेजों ने राजा के कार्य प्रशासन और राजनीतिक जो भी निर्णय होते थे इनों में आंतरिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। और राजा को संधि के तहत वार्षिक कर देना होता था अंग्रेजों से। इसके पहले जो भी कर या जो भी आय जो होती थी वो राजा के पास अपने कोष में जमा होती थी, किंतु जब अंग्रेजों से संधियां हो गई तो उस संधियों के तहत वार्षिक आय भी देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। तो ये दबाव जब राजा पर बढ़ा तो राजा ने सामंतों को कहा कि भाई तुम किसानों से करों को जो वसूल रहे हो उन करों को बढ़ा दो और किसानों से आप कर जितना वसूल कर सकते हो करो, और जब तुम वसूल करोगे तो तब भी तो हमारे पास कर आएगा, आय आएगी, और उस आय का एक निश्चित भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा संधि के तहत। तो ये चीजें घटित हुई। तो इससे क्या किसान बहुत परेशान हो गए, सामंतों से भी और प्लस राजाओं से भी, क्योंकि किसान सीधा राजा से तो जाकर मिल नहीं सकता। तो सामंतों के करों द्वारा थोपे गए करों से परेशान हो गए किसान और किसानों ने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। और वही जो आवाजें उठी वही आपके आंदोलन कहलाए। तो ये बेसिक चीज है। अब मैं एक एक करके हम आंदोलन पढ़ेंगे और जो हमारा जो आंदोलन स्टार्ट हो रहा है वो अच्छे से देखना। बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। अब पहले समझो अच्छे से, अब ये जो बिजोलिया है ये वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, भीलवाड़ा में। अच्छे से देखिए, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, कोई भी ऐसी पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूं, आप तो समझते रहिए, सुनते रहिए। तो बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा में है और इसका जो प्राचीन नाम जो है, जो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, इसका प्राचीन नाम जो है वो नाम है विजयावली। कौन सी वली, विजयावली। और ये जो नाम बताया ये इसका दूसरा नाम विंध्यावली भी है। और ये नाम जो बताया था ये आपके टॉड ने बताया था, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो अच्छे से समझते रहना, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर इसका प्राचीन नाम विजयावली था। और ये बिजोलिया जो ठिकाना था ये ठिकाना मेवाड़ साम्राज्य में आता था, मेवाड़ साम्राज्य का ठिकाना था। कहां का ठिकाना था, मेवाड़ साम्राज्य का ठिकाना था। अच्छे से सोचना, अब मेवाड़ के अंदर क्या था मित्रों, मेवाड़ के जो राजा थे और मेवाड़ का जो साम्राज्य क्षेत्र था उसमें ठिकानों को
भागों में बांटा गया था कि ये प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं, ये द्वितीय श्रेणी के ठिकाने हैं, ये तृतीय श्रेणी के ठिकाने हैं, यानी उनकी आय के अनुसार ठिकानों को बांटा गया था। तो कहा जाता है कि ये जो बिजोलिया ठिकाना था, जो था ना मित्रों, ये मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मतलब यहाँ से जो इनकम होती थी वो बहुत अच्छी होती थी मेवाड़ के महाराणा को। और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकानों में टोटल 16 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? प्रथम श्रेणी में टोटल 16 ठिकाने थे, और इन 16 ठिकानों में से एक जो ठिकाना था वो था आपका बिजोलिया ठिकाना। कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना, वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। और कहा जाता है कि इसी बिजोलिया ठिकाने में लगभग छोटे मोटे 79 यानी नवासी गांव आते थे। 79 गांवों का समूह था बिजोलिया, और यही बिजोलिया मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकानों की जो संख्या थी वो 16 थी, और उन्हीं 16 में से एक था बिजोलिया, जहां से मेवाड़ के महाराणा को एक अच्छी इनकम प्राप्त होती थी, आय प्राप्त होती थी करों के रूप में। अच्छे से समझना, ये चीज मैंने बेसिक बताई, कंप्लीट। अब समझिए अच्छे से, तो बिजोलिया का मैंने बेसिक बताया। बिजोलिया स्थान जो है भीलवाड़ा के अंदर है, और ये बिजोलिया जो है मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और जो टोटल मेवाड़ के अंदर जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे वो 16 ठिकाने थे, उनमें से बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना ठिकाने में सम्मिलित था, और बिजोलिया एक 79 गांवों का 79 गांवों का एक समूह था, यानी 79 गांव आते थे। और यहाँ का जो राजा होता था बिजोलिया का, वो राव कहलाता था। क्या कहलाता था? राव कहलाता था, उमराव कहलाता था। अच्छे से देखना, ये बेसिक चीजें होती है जो हम, अगर कहा जाता है ना मित्रों, अगर सीडी दर सीडी पढ़े और सीडी दर सीडी हम किसी चीज का निर्माण करें, तो जो चीज बनेगी वो मजबूत और टिकाऊ चीज बनेगी। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए कि क्या कारण बने थे। तो अच्छे से देखिए, ये चीजें हो गई। यहाँ का बिजोलिया का जो सामंत होता था वो राव और उमराव कहलाता था, ये भी कंप्लीट हो गई। अब सुनिए अच्छे से, अब मैं तुम्हें अगले पॉइंट में तुम्हें बता रहा हूं बिजोलिया के बारे में, देखना अच्छे से, कंप्लीट। अब मैं बिजोलिया से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक घटनाएं है क्या, बिजोलिया से कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई है क्या, ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है क्या, जो बिजोलिया को एक, मतलब उसका इतिहास से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स बनाती है? तो बिल्कुल जुड़ी हुई है, समझो अच्छे से। देखिए मित्रों, बिजोलिया जो है बिजोलिया में ही एक उपरमाल है। कौन सा माल है? उपरमाल नामक जगह है, अच्छे से देखना। उपरमाल की जगह है, और कहा जाता है, इसकी मैं ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं, कि खानवा का एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, और ये खानवा का युद्ध जो मेवाड़ के जो राजा थे वो महाराणा सांगा ने लड़ा। किसने लड़ा? महाराणा सांगा ने। और इस युद्ध में महाराणा सांगा का जो साथ दिया था मित्रों, वो जगनेर, जो भरतपुर के अंदर है, जगनेर भरतपुर के राजा जो थे वो अशोक परमार थे। अशोक परमार लड़े थे खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से। तो इस अशोक परमार से बहुत खुश हुए राणा सांगा,
और राणा सांगा ने खुश होकर इसी अशोक परमार को, अच्छे से देखना मित्रों, इसी अशोक परमार को बिजोलिया की बोल दो आप, या ऊपर माल की जागीर प्रदान की। कौन से माल की? ऊपर माल की जागीर प्रदान की। अच्छे से देखना, तो अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड भी पूछ सकता है और सवाल यह बनता है कि बिजोलिया का संस्थापक या मूल पुरुष किसको कहा जाता है, एक एक चीज मैं बताऊंगा, आप देखते रहिए। और जो बिजोलिया का संस्थापक बोल दो, मूल पुरुष बोल दो, वो आपके मित्रों अशोक परमार को कहा जाता है, और अशोक परमार को ही राणा सांगा जी ने जागीर प्रदान की थी खानवा के युद्ध के पश्चात। तो अब सुनो अच्छे से, एक तो ऐतिहासिक घटना ये हो गई, अब उसके बाद सुनना यहाँ के बिजोलिया के जो सामंत थे, जो राव थे, अच्छे से देखना, राव केशवदास थे। कौन थे? राव केशवदास थे। ये अच्छे से राजपाट कर रहे थे बिजोलिया के अंदर, और इन्हीं केशवदास के समय मराठाओं ने बिजोलिया पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया मित्रों? अच्छे से देखना, मराठाओं ने आक्रमण कर दिया आपके बिजोलिया पर। मराठाओं ने आक्रमण किया, इसमें राव केशवदास की हार हुई और बिजोलिया पर अधिकार हो गया किनका? मराठाओं का। अच्छे से सुनना, अब मित्रों इन राव केशवदास का अच्छा संबंध था, यानी अच्छे संबंध थे किनके साथ? अच्छे संबंध थे किनके साथ? अच्छे से देखना, अच्छे संबंध थे यहाँ के किसानों के साथ। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा किसान जो थे वो धक्कड़ जाति के किसान थे मित्रों। क्या बात है, ऐसी धक्कड़ है, धक्कड़ है। तो धक्कड़ जाति के किसान और यहाँ के राव जो थे, इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। तो राव केशवदास ने धक्कड़ जाति के किसानों को अपनी समस्या बताई कि किसानों, कहा भाइयों ये दिक्कत है कि मराठाओं ने अधिकार कर लिया है बिजोलिया पर, और अगर तुम साथ देते हो तो मैं वापस अटैक करूँ किन पर? मराठाओं पर, और हम वापस बिजोलिया पर अधिकार कर लेते हैं। तो किसानों ने कहा बिल्कुल हम तुम्हारे सुख दुख में साथ है, आप अच्छे से अटैक कीजिए मराठाओं पर, इसके लिए हम हमारी जीत जान से हम लड़ाई करेंगे। तो केशवदास ने बिजोलिया के किसानों से वापस पराजित किया किनको? मराठाओं को, और अधिकार कर लिया किस पर? बिजोलिया पर। तो कहा जाता है कि केशवदास और केशवदास की मृत्यु के बाद बिजोलिया का एक राजा बना गोविंद दास। कौन सा दास? गोविंद दास। अच्छे से नाम देखते रहना, केशवदास और केशवदास के बाद यहाँ के राव जो बने वो गोविंद दास बने। और गोविंद दास तक कहा जाता है कि बिजोलिया के अंदर किसानों और राव के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। किसान के अगर जैसे बात करें मित्रों की, जिस साल अकाल पड़ता था तो अब तक राव केशवदास और गोविंद दास के समय इन किसानों की मदद की जाती थी, करों में छूट दी जाती थी, उनके घर खाने योग्य जो चीज़ें पहुंचाई जाती थी, ये सभी किए जाते थे। और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो किसान भी उनके साथ रहते थे, तो अच्छे संबंध थे दोनों के साथ। पर अब देखना मित्रों, कहा जाता है कि गोविंद दास की मृत्यु के बाद 1894 के अंदर यहां बिजोलिया का जो सामंत, जो राव बना वो नया, वो कृष्ण सिंह बना। कंप्लीट कौन बना? कृष्ण सिंह बना। अब इसी कृष्ण सिंह के आने के बाद यहाँ के बिजोलिया के किसान और कृष्ण सिंह के बीच में जो संबंध थे वो संबंध बिगड़ गए मित्रों। और कृष्ण सिंह ने खूब सारे कर थोप दिए किसानों पर,
और किसानों पर कर लाग दिए और किसान मजबूर हो गए कि उनको आवाजें उठानी पड़ी। तो ये चीज है, ये बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने तुम्हें ऐतिहासिक परिदृश्य में बताए। तो यहां से दो चीजें, दो घटनाएं निकल कर आती है। फर्स्ट नंबर वन इज खानवा का युद्ध, और इसी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे जगनेर भरतपुर के अशोक परमार, और इसी अशोक परमार को राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर प्रदान की। तो एग्जामों में तुम्हारे पूछ ले कि भाई बिजोलिया या उपरमाल का संस्थापक कौन था, तो वो अशोक परमार थे। नंबर वन कंप्लीट पॉइंट। दूसरा यहां से पॉइंट ये बनता है कि केशवदास के समय मराठाओं ने आक्रमण किया और केशवदास ने बिजोलिया के किसानों की सहायता से इसको वापस पराजित किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है कि यहाँ के जो राव थे गोविंद दास के समय तक किसानों के साथ राव के अच्छे संबंध थे, और गोविंद दास की जो ही मृत्यु हुई 1894 के अंदर नया राव बना कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया के किसान और राव के यानी कृष्ण सिंह के मध्य संबंध बिगड़ गए। तो ये पॉइंट्स, ये कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मित्रों, अच्छे से देखना। अब चीज तीसरी आती है कि भाई कारण क्या बने, क्या ऐसे कारण बने कि कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य संबंध बिगड़े और बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया, तो उसके कारण पढ़ते हैं। तो कारणों में कहा जाता है कि 84 प्रकार के करों को वसूला जाता था बिजोलिया के किसानों से। अगली चीज, बेगार प्रथा। क्या होती है बेगार प्रथा, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तीसरी चीज, यहां के किसानों की जो फसल की उपज होती थी उस उपज का 87% जागीरदार ले जाते हैं। कंप्लीट। और एक आता है लाटा कुत्ता पद्धति। क्या आता है लाटा कुत्ता पद्धति। इसके अलावा मैं और बता देता हूं कि 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने एक चौरी कर लगाया, और इसके बाद 1906 के अंदर आपके ये कोष्टक में लिख देता हूं कृष्ण सिंह, और उसके बाद 1906 के अंदर तलवार बंदाई कर लगाया जाएगा, और ये लगाएगा पृथ्वी सिंह। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण है। अब इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करते हैं। पहला मैंने लिखाया कारण आपको मित्रों कि यहां से 84 प्रकार के करों को वसूल किया जाता था जनता से, किसानों से। तो यहाँ के किसान इन करों से परेशान हो गए कि 84 इतने भी कर चुकाए जाते हैं क्या, और इनके ऊपर बाद के बाद और कर थोपे जा रहे हैं। तो इससे आपके किसान परेशान हुए बिजोलिया के, इन्होंने कहा कि भाई अब सहन नहीं करना है, अब तो सीधा इनका विरोध करना है राव का। आगे सुनो, बेगार प्रथा। अब ये बेगार प्रथा होती क्या थी, जैसे मित्रों बिजोलिया के जो राव होते थे, अगर इन राव के महलों में इनके दुर्गों का निर्माण होता, दुर्गों की मरम्मत होती, अच्छे से देखना, मरम्मत होती, तो किसानों को गांव के अंदर आदेश जारी कर दिया जाता था कि भाई ये किसान लोग या इस दिन इस समय इस किसान के घर से ये लोग आएंगे, हमारे यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के राव के घरों का निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रही है। और बेचारे किसान वहां पर जाते, काम करते, और उनको बदले में कुछ नहीं दिया जाता था, तो बेगारी की जाती थी, तो कुछ नहीं मिलता था किसानों, तो इन बेगार प्रथा से भी परेशान हो गए। उपज, देखिए उपज यानी टोटल, सपोज कीजिए कि 100 रुपए मिले किसानों को, तो 100 रुपए में से करों के नाम पर या उपज के नाम पर 87% कुत्ते के तहत ले जाता राव,
और किसान के पास बचता उपज का 13% और इसी 13% के अंदर इन्हीं किसानों को अगर उसके ऊपर कर्ज है और कर्ज जो किसान लेता था वो महाजनों से बणियों से लेता था सेठों से लेता था तो इनको चुकाना पड़ता प्लस अपने साल भर की आजीविका भी चलानी पड़ती थी। तो परेशान हो गए। उसके बाद लाटा कुत्ता पद्धति आई, यानी इस पद्धति के तहत क्या होता था कि जो खड़ी फसल होती थी उस खड़ी फसल किसानों की जो खड़ी फसल होती थी उसी खड़ी फसल का राव के आदमी आते और उसी खड़ी फसल का अंदाजा लगाकर कह देते कि भाई इतना भाग किसान का होगा और पिछला वाला भाग जो है वो आप पहुंचा दो कहां ठिकाने में। तो देखो यही 87% उपज का तो कुत्ते के तहत ले जाता राव और 13% जो होता वो बचता किसानों के पास। किसके पास? किसानों के पास। तो ये कारण बने और इन कारणों के कारण बिजोलिया के किसान परेशान हो गए और उन्होंने कहा अब तो विद्रोह 100% करना पड़ेगा, अब तो चुप बैठने वाले है नहीं, इतना हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम दे क्या राव को। तो अब देखना मित्रों, अभी तक जो मैंने चीजें तुम्हें बताई है वो बिजोलिया से रिलेटेड बेसिक चीजें बताई है, कुछ भी हमने अभी स्टार्ट वगैरह नहीं किया है, तो ये बेसिक है समझो अच्छे से। तो देख यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा के अंदर है, इसका प्राचीन नाम विजयवली है और ये मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और बिजोलिया का जो ठिकाना था इसके अंदर 79 गांव आते थे। दूसरी चीज मैंने तुम्हें इसकी ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड बताया, उसमें दो चीजें बताई, एक केशवदास से गोविंददास और दूसरी पहली जो चीज बताई थी वो बताई थी राणा सांगा ने ये अशोक परमार को दिया था। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़े कारण कि क्या कारण बने थे, वो कारण भी मैंने आपको अच्छे से बताए, 84 प्रकार की करें बताई, बेगार प्रथा बताई, उपज का 87 कुत्ते के तहत ले लिया जाता था राव की तरफ से, ये चीजें हुई, अधिक भू राजस्व लगाया जाता था, एक और कारण हो गया अधिक भू राजस्व। तो ये चीजें हो गई, ये अधिक भू राजस्व भी इनसे वसूला जाता था। तो ये फैक्ट्स है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। अब सुनो अच्छे से, प्रारंभ कहां से हुआ, क्या स्थिति बनी, वो अब हम पढ़ते हैं अच्छे से। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है मित्रों वो देखिए प्रारंभ, एक एक चीज मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, आप तो बस देखते रहिए और समझते रहिए। अब हुआ क्या था मित्रों, अच्छे से देखना प्रारंभ कहां से हुआ। एक बिजोलिया ठिकाने में ही गिरधरपुरा नाम का गांव था। कौन सा गांव था? गिरधरपुरा गांव था। इस गिरधरपुरा गांव का निवासी जो था वो गंगाराम धाकड़ था। कौन था? गंगाराम धाकड़। अब इस गंगाराम धाकड़ के जो पिताजी थे वो भगवान को प्यारे हो गए और इन्हीं पिताजी के पीछे मृत्यु भोज किया गया, मृत्यु भोज किया गया जिसको आप हमारी भाषा में नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता। अच्छे से सुनना, गिरधरपुरा का निवासी था गंगाराम और ये गंगाराम जो था ये धाकड़ जाति का किसान था। इसके पिताजी चल बसे तो 12 दिन आपको पता है शोका गुल होता है, शोक मनाया जाता है, उसी शोक के तहत जो गांव के लोग होते हैं वो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। तो सुनना अच्छे से, अब इसी गंगाराम धाकड़ के गांव, गंगाराम धाकड़ के घर पर शोक मनाने के लिए खूब सारे धाकड़ जाति के किसान लोग इकट्ठा हुए। अब तुम्हें पता है मित्रों किसान लोग जो आते हैं और ऑब्वियसली अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी अगर कोई मौत होती है
तो मौत के समय 12 दिन तक गांव के जो सगे संबंधी होते हैं प्लस गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो बैठने के लिए आते हैं और उस व्यक्ति के परिवार वालों को संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि भाई हिम्मत रखे, दुख की घड़ी में बहुत बुरा हुआ, इंसान बहुत अच्छा था, फलाना ढीकड़ा, जो भी बातें करनी होती बातें करते हैं। अब जब उस पद पर बैठे रहते हैं, उस जगह पर जो बैठे रहता है, तो होता क्या है, यहाँ पर खूब सारे किसान इकट्ठा होते हैं, तो पहले तो जो व्यक्ति चल बसा होता है उससे रिलेटेड बातें की जाती है कि भाई भला इंसान था जो चला गया, ऐसी ऐसी बातें थी, वैसी थी। और उसके बाद गांव के अंदर लेटेस्ट घटना क्या चलती है उसकी चर्चाएं चलती है, क्योंकि ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अगर जब तक दूसरों की खबरों का ध्यान नहीं रखा जाता, रात को जो खाना खाया जाता है वो पाचन नहीं होता। तो ऐसे ही मित्रों यहां पर भी गंगाराम के घर खूब सारे धाकड़ जाति के किसान लोग इकट्ठा हुए, पहले गंगाराम के पिताजी को सांत्वनाएं, मतलब सॉरी गंगाराम को सांत्वनाएं दी गई, और उसके बाद यहां पर जो किसान लोग थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने करों से रिलेटेड जो 84 प्रकार के जो कर वसूले जाते थे इन करों से रिलेटेड बातें स्टार्ट की। कहा कि भाई बिजोलिया का जो राव है ये कृष्णदास, ये हमारे से कर वसूलता जा रहा है, वसूलता जा रहा है, और इन करों को कैसे चुकाए, इतनी तो हमें फसल से आमदनी भी नहीं होती है। तो अब किसानों में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। अच्छे से नाम सुनना मित्रों, ये थोड़ा समझा और पढ़ा लिखा इंसान था साधु सीताराम दास। अच्छे से देखना, जब ये किसान लोग जब करों से रिलेटेड राव की बातें कर रहे थे कि भाई राव ने इतने कर थोप दिए, फलाना ढीकड़ा, ऐसेर वैसेर, तब ये बातें कर रहे थे, तब साधु सीताराम दास खड़े होकर धाकड़ जाति के किसानों को कहते हैं कि बातें करने से क्या होगा, अगर जब तक तुम जाकर यानी इनका विरोध नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, यही 84 कर अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो यही 84 कर 150 करों में परिवर्तित हो जाएंगे। जब ये बात साधु सीताराम दास ने कही तो वहां के धाकड़ जाति के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी जो है ये थोड़ा जानकार है, अच्छा समझा, मतलब समझदार इंसान है, ये जैसे कहता है वैसे ही करो। तो सभी धाकड़ जाति के लोगों ने साधु सीताराम दास को कहा कि भाई तू ही बता हम क्या करें, हम तो परेशान हो चुके हैं इन करों को चुका चुका कर, इससे हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि देखो हमें शिकायत करनी है राव की, हमें शिकायत करनी है राव की, क्या करनी है, शिकायत करनी है राव की। अब कहा कि शिकायत किसको करें, राव को शिकायत करें तो राव तो सुनने वाला है नहीं, तो राव के ऊपर जो है वो मेवाड़ के महाराणा है, क्योंकि ये राव भी सामंत है किसका, महाराणा का। तो हम जाते हैं मेवाड़ के महाराणा के पास और जाकर राव की करतूतों के बारे में बताते हैं कि भैया हमारे से इतने प्रकार के कर वसूल रहा है, इसका आप ही कुछ निर्णय निकालिए। और जाहिर सी बात है कि हम भी घर के अंदर अगर हमें किसी चीज की नीडेड होती है, जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, पिताजी को नहीं कहकर मीडिएटर को कहते हैं जिससे वो बात पिताजी तक पहुंच जाए और हमें जिस चीज की जरूरत है वो मिल जाए। जैसे सपोज करो बाइक की जरूरत है तो पापा को सीधा कहे कि पापा जी बाइक दिला दो, तो पापा जी चार रेपड़े मारेंगे कि ले आ तेरे को बाइक दिलाऊं। तब हम हमारा काम निकालने के लिए पहले मम्मी को कहता है और मम्मी ये प्रस्ताव पिताजी को रखती है और समझाती है कि भाई दिला दो छोरे को, छोरा थोड़ा दूर जाके पढ़ाई करता है, समय खराब हो जाता है बसों में, तो बाइक दिला दो, तब कहीं जाकर हमारा काम बनता है। तो साधु सीताराम दास ने भी यही किसानों को सुझाव दिया कि राव के पास हमें नहीं जाना है, हमें शिकायत जो करनी है वो मेवाड़ के महाराणा को करनी है, उनको जाकर ये पूरी चीज बतानी है। तब किसानों ने कहा ठीक है भाई करो, इसके लिए महाराणा के पास कौन जाएगा,
तो वहां पर जितने कितने भी जो व्यक्ति आ रखे थे उनमें से दो व्यक्तियों को चुना, दो किसानों को चुना और कहा कि ये व्यक्ति दोनों किसान जो है ये जाएंगे मेवाड़ के महाराणा के पास। और मेवाड़ के जो महाराणा थे इस समय, अच्छे से ध्यान रखना, महाराणा जो थे वो फतेह सिंह जी थे। कौन से सिंह जी थे? फतेह सिंह जी थे। अच्छे से देखते रहना, हालांकि मैं अभी तुम्हें बेसिक चीजें एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं ताकि पूरी समझ में आ जाए। और इसका बेसिक चीज ये भी बता दूं कि ये तीन चरणों में हुआ था। ये सभी चीजें जब मैं विधिवत रूप से आपको पॉइंट लिखाऊंगा तो उस समय सभी लिखा दूंगा, अभी तो आप समझते रहिए, अच्छे से देखते रहिए। तो कब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाएंगे दो किसान, उसी सभा की बात हो रही है। और इन दो किसानों में जो जिनको चुना गया, एक तो था थे आपके नान जी और दूसरे जो थे वो थे ठाकरी पटेल। इन दो व्यक्तियों को चुना गया कि ये जाएंगे मेवाड़ के महाराणा के पास और बिजोलिया के अंदर जो राव की जो कर्तृत्व है, जो ये जितने प्रकार के कर वसूलता है, इनकी शिकायत करेंगे। अब ये बेचारे दोनों नान जी और ठाकरी पटेल दोनों गए। ये छोटे छोटे गांव के व्यक्ति थे। नान जी जो थे ये बेरीसाल के थे, बेरीसाल गांव के, और ये गोपाल निवास नामक गांव के थे। कौन से निवास के? गोपाल निवास। अब ये दोनों को रवाना कर दिया गया। अब ये दोनों मेवाड़ पहुंचे और कहा जाता है कि 5-6 माह लग गए बेचारे फतेह सिंह से मिलने के लिए, पर इनको इनकी मुलाकात करने नहीं दी गई। अब जैसे तैसे करके 5-6 महीनों में इन्होंने कोई ऐसा मतलब अवसर पाया जिसके बाद इनकी मुलाकात हुई किससे? फतेह सिंह जी से। और फतेह सिंह जी को कहा, राणा जी आपके जो बिजोलिया के राव है, इन्होंने बिजोलिया के किसानों को परेशान कर रखा है, हमें परेशान कर रखा है, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के करों को थोप रखा है और हम परेशान हो चुके हैं, हम इन करों को नहीं चुका सकते। तो फतेह सिंह जी ने इन किसानों को कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं है, आप आराम से जाइए। किसानों को कहा कि आप आराम से जाइए, मुझे इन बातों का पता नहीं है, मैं यहां से एक व्यक्ति भेजूंगा जो बिजोलिया आकर वहां पता लगाएगा कि रियली में ये वास्तविक में ये घटना घटित हो रही है क्या, राव ऐसे किसानों पर अत्याचार कर रहा है क्या, करों को वसूल कर रहा है क्या। ये बात कही और ये नानजी और ठाकरी पटेल बिचारे फतेह सिंह जी से मिलकर वापस कहां आ गए? बिजोलिया। अब सुनते रहना अच्छे से। अब बिजोलिया आ गए। अब बिजोलिया आए मित्रों और बिजोलिया आकर आ गए ये, और फतेह सिंह जी ने कहा कि भाई रियली में ऐसी कुछ घटना हो रही है क्या। तो फतेह सिंह जी ने अपना एक अधिकारी भेजा, एक व्यक्ति भेजा जिसको आप जांच अधिकारी बोल सकते हो, जांच के लिए एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हामिद हुसैन नाम का व्यक्ति भेजा बिजोलिया और कहा कि भाई तू जा वहां पर जाकर पता करके किसानों के ऊपर इतने कर वसूल कर रहा है क्या आपके ये कृष्ण सिंह। तो बिल्कुल आराम से ये हामिद हुसैन बिजोलिया गए और बिजोलिया जाकर इन्होंने जांच पड़ताल की और हामिद हुसैन ने रियली में ऐसे यानी वास्तविक में उसे लगा था कि यहाँ पर ये जो कृष्ण सिंह जो राव है ये रियली में यहाँ पर किसानों से करों को वसूल तो रहा है। अब जब वो बिजोलिया पहुंचा, हामिद हुसैन बिजोलिया आया, तो बिजोलिया के कृष्ण सिंह ने कहा कि भाई तू कौन है और किसकी जांच के लिए आया है? तो हामिद हुसैन ने कहा कि भाई तेरे बिजोलिया के कोई दो किसान हैं नान जी और ठाकरी पटेल करके, ये मेवाड़ आए थे फतेह सिंह जी के पास और कहा कि यह बिजोलिया का राव जो है हमारे से खूब सारे करों को वसूल कर रहा है, 84 प्रकार के कर लगा रहा है, 87% उपज का कुत्ते के रूप में ले लेता है, तो अब हमारा जीवन जो है वो पूरा का पूरा बेकार हो चुका है, क्या करें हम, तो मुझे जाँच के लिए भेजा है।
जब ये बात कृष्ण सिंह को पता चली कि साले मेरे साम्राज्य के कोई व्यक्ति है जो जाकर मेरी शिकायत राणा को करते हैं, वो भी मेरे को बिना पूछे, तो अब इसका जो कृष्ण सिंह का किसानों के प्रति अब जो नजरिया था वो और भी खतरनाक और भयानक हो गया। कृष्ण सिंह ने पहले हामिद हुसैन को कहा, भाई तू तेरी जांच कर, मैं तेरे हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि तू महाराणा का आदमी है। तब उसने जांच की और वो गया और जाकर फतेह सिंह जी को कहा कि बिजोलिया में वास्तविक रूप से बिल्कुल किसानों पर कर अधिक थोपे गए हैं और उन करों को किसान चुका भी रहे हैं। फतेह सिंह जी ने इसको नजरअंदाज कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। अब इधर कृष्णदास के हौसले बुलंद हो गए क्योंकि राज्य से कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो इस कृष्ण सिंह ने नंबर लगाया किनका, अच्छे से देखना। कृष्ण सिंह ने नंबर लगाया नामजी और ठाकरी पटेल को, कहा अच्छा बेटा जी मेरे खिलाफ जाके शिकायत करोगे और वो भी मेरी, अब तुम बिजोलिया में रहने के लायक नहीं हो, सुबह होवे उसके पहले छोड़ देना किसको बिजोलिया का, वरना ठीक नहीं होगा। ये धमकी दे दी किसने, कृष्ण सिंह ने नामजी और ठाकरी पटेल को। अब नामजी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया छोड़कर जाना पड़ा और कहा जाता है कि काफी समय तक इन ये बिजोलिया से बाहर रहे बेचारे, और फिर कृष्ण सिंह के सामने आकर गिड़गिड़ाए कि भाई गलती होगी, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ कर दे, इसके लिए अगर तुम हमें दंडित करता है तो हम जुर्माना भरने के लिए तैयार है। तो कहा जाता है कि यही कृष्ण सिंह इन दोनों पर जुर्माना लगाता है और वो जुर्माना देकर नानजी और ठाकरी पटेल बिजोलिया में वापस रहने लगता है। ये घटना घटित हुई और ये ऐसे प्रारंभ हुआ। तो ये मैंने कुछ फैक्ट्स बताया है बिजोलिया किसान आंदोलन से, इनको तुम्हें अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। और तीन चीजें मैंने बताई, एक तो आपको इसका परिचय बिजोलिया का, प्लस इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, इसका इसके मतलब प्रारंभ होने के कारण, और चौथा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो कैसे प्रारंभ हुआ, कैसी स्थितियां बनी, कहां से प्रारंभ हुआ, वो हमने चीजें पढ़ी। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं चीजों को पहले अच्छे से लिखेंगे, फिर हम चरणबद्ध रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो तीन चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ? तीन चरणों में हुआ। तो आज जो हमारी बातें हुई है वो सिर्फ बिजोलिया से बेसिक हुई है, इस बात को भी तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो अब तक जो हमने समझा है उसको हम विधिवत रूप से फैली कॉपी में नोट्स राइट ऑफ करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम प्रथम चरण को विधिवत रूप से पढ़ेंगे कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी क्या बेसिक चीजें थी, क्या कारण बने कि यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया, यहाँ से ऐतिहासिक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई क्या, जहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ी, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इन्हीं को फेयरली रूप से लिखेंगे। तो मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अध्ययन करते रहे और अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।